सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो ऑफिशियल जो पीडीएफ है पीडीएफ में आ गया पीडीएफ डी एफ बन में आने के बाद यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री डिफेंस का तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी है पैरामेडिकल स्टाफ के तरफ से जो वैकेंसी जारी है उसका बारे में यहाँ पे अपडेट देने वाला हूँ आप लोग को यहाँ पे देखिए पैरामेडिकल स्टाफ नॉन स्टाफ और कॉन्ट्रक्चुअल बेसिस में आप लोग को लेकर चलेगा पैरामेडिकल स्टाफ के लिए सो जो लोग इस पोस्ट आवेदन करने इच्छुक है आप लोग देखिए इस फॉर्म को अच्छे से एक बार फिलअप कर सकते हैं ठीक है इसमें देखिए मेडिकल ऑफिसर के लिए so जो एम बी बी एक्सपीरियंस रहेगा पोस्ट रहेगा एक वैकेंसी पचहत्तर का सैलरी मिलेगा फार्मासिस्ट के लिए बी फार्मा मिनिमम आप लोग का एक्सपीरियंस रखा है ठीक है उसके बाद आप लोग का जो वैकेंसी रखी है एक पोस्ट रहने वाला है अट्ठाईस हज़ार एक सौ के आसपास सैलरी मिलने वाला है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी रखा है जी ना हम डिप्लोमा नर्सिंग उसके बाद नर्सिंग कोर्स करके रखा तो मिनिमम फाइव ईयर एक्सपीरियंस रखा एक पोस्ट के लिए आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अट्ठाईस हज़ार एक सौ के आसपास सैलरी मिलने है, वाला है ठीक है सफाई वाला रिलेटेड उसके बाद मिनिमम आप लोग का फाइव फाइव ईयर एक्सपीरियंस रहना जरूरी है सोलह हजार आठ सौ के आसपास सैलरी मिलने वाला है ठीक है सो कैसे फॉर्म को फिलअ करना है यहाँ पे देखिए काइंडली आप लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट इस वजह लॉग लॉगिन कर सकते हैं इस आई में आप लोग को जो नंबर दिया इसे स्कैन करके आप लोग फॉर्म को सेंड कर सकते हैं ठीक है, है? लेटेस्ट जो डेट है अप्लाई करने का लास्ट अठारह अप्रैल इसका लास्ट डेट है करना है तो आप लोग उसके पहले फॉर्म को फिलअप करके फिर सबमिट कर सकते हैं इंटरव्यू डेट एंड टाइम वेन्यू यहाँ पे पूरा डिटेल्स में दे दिया बीस तारीख आप लोग का इंटरव्यू होगा वेन्यू में उसी एड्रेस में आप लोग को पहुँचना पड़ेगा ठीक है पूरा सब कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर साथ में आप लोग को फॉर्म के साथ आप लोग को साथ में जाना पड़ेगा ठीक है तो कुछ भी डाउट हो नीचे कॉमेंट में जरूर बता देना हम जरूर आप लोग को सहायता करेगा हर एक अपडेट मेरा चैनल में मिलता रहेगा थैंक यू तो स्वीट वॉच करने के लिए